हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निशान चाहर। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है एंड मेरे से खुद मेरे एक इंटर्नशिप इंटरव्यू में पूछा गया था यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका नाम है स्पायरली ट्रैवर्सिंग अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में स्पायरल हमें जाना और प्रिंट करते जाना है। ये मेरे से गोल्डमैन सैक्स के फाइनल इंटरव्यू में पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत लोगों से अलग अलग इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमें दे रखा है एक ये मैट्रिक्स, ठीक है, n क्रॉस n का, n क्रॉस m का। अब यहाँ पे दोनों फोर ही हैं, तो फोर क्रॉस फोर का हमें मैट्रिक्स मिला हुआ। हमें क्या बोला यार, हमें ना ऐसे ट्रैवर्स करना है, इसमें ऐसे जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ऐसे में इस पर स्पायरल प्रिंट करना है, समझ रहे हो। और बड़ा होता तो ऐसे स्पायरल नहीं होता, ऐसे 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 स्पायरल प्रिंट करते जाना है। तो ये हमारा टास्क है। आई होप तुम्हें टास्क समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस टास्क को करने के लिए ना हमें बस क्या करना है कि इसको एक एरे की तरह इनको प्रिंट करते जाना है, एक तरीके से एरेज की तरह प्रिंट करते जाना है। अब एरेज में प्रिंट करते जाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, मेन चीज़ चाहिए होगी हमें स्टार्ट और एंड। हमें स्टार्ट और एंड चाहिए होगा हर स्पायरल को प्रिंट करने के लिए। अगर हमें ये वाली रो प्रिंट करनी है तो इसका स्टार्ट और एंड पता होना चाहिए, फिर ये वाली रो प्रिंट करनी है इसका स्टार्ट और एंड पता होना चाहिए, फिर ये करनी है इसका स्टार्ट एंड पता होना चाहिए, ये करनी है इसका स्टार्ट एंड पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं चार वेरिएबल्स, लेते हैं यहाँ पे चार वेरिएबल्स, ठीक है। इसको कहते हैं तुम्हारा लेफ्ट, कहते हैं तुम्हारा राइट, कहते हैं तुम्हारा टॉप, इसको कहते हैं तुम्हारा बॉटम। अब इसको क्यों क्या कह रहे हैं खुद सोचो। ये तुम्हारे कॉलम है, राइट, ये तुम्हारा कॉलम है। तो कॉलम के स्टार्ट को हम टॉप बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा रहा है, और इसको बॉटम को बॉटम बोलेंगे, बहुत लॉजिकल है, राइट। सेकंड चीज़ है कि ये तुम्हारी रो है, एक रो में एक लेफ्ट होता है राइट होता है, मैसेज जा रहे हैं तो बिल्कुल लॉजिकल है सारी चीज़ें। तो हमने क्या बोला, हमारे पास एक लेफ्ट है जिसकी वैल्यू जीरो है, हमारे पास एक राइट है जिसकी वैल्यू एन माइनस वन है, इसकी वैल्यू एन माइनस वन है, हमारे पास एक टॉप है इसकी वैल्यू जीरो है, हमारे पास एक बॉटम है इसकी वैल्यू तुम्हारी एम माइनस वन है। इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट राइट है टॉप बॉटम है, तुम देख सकते हो यहाँ पे बॉटम एम माइनस वन है, राइट तुम्हारा एन माइनस वन है, लेफ्ट और ये दोनों जीरो है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 0 1 2 3 0 1 2। अब क्या हो रहा है यार, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट तक मूव करते जाते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक मूव करते जाते हैं। हम पहले क्या करेंगे, एक स्पायरल बाउंड्री को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे, ये पूरी जो तुम्हारी एक स्पायरल बाउंड्री है मानते हो ऐसे करके, फिर हम एक अंदर की स्पायरल बाउंड्री प्रिंट कर देंगे, फिर अंदर की कर देंगे, तो टोटल एक हमारा स्पायरल प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हमें कब तक करना है काम, वो हम आगे जाके समझ जाएंगे। हम क्या करेंगे यार, हमने बोला यार लेफ्ट से राइट तक प्रिंट कर दो, हमने बोला लेफ्ट से राइट तक प्रिंट कर दो, हमने प्रिंट किया 1 2 3 4। अब लेफ्ट से राइट तक प्रिंट कर दिया तो हमारी ये टॉप वाली रो तो पूरी प्रिंट हो गई, राइट, टॉप वाली रो पूरी प्रिंट हो गई। तो हमें क्या करना है, टॉप से एक नीचे आ जाना है, ठीक है, हमारे जो रो की वैल्यू है उसको बढ़ा देना है। और टॉप रो का हमें क्या वेरिएबल रखा, हमने टॉप रखा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे यार इसको प्लस प्लस कर दो, टॉप को प्लस प्लस कर दो और इसको वन कर दो। हमें क्या करा, टॉप को प्लस प्लस कर दिया, राइट, हमने टॉप को प्लस प्लस कर दिया और नेक्स्ट रो में आ गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट में आने के बाद हमें क्या करना था, अब हमें यहाँ से ऊपर से नीचे प्रिंट करना है, एक कॉलम में ऊपर से नीचे प्रिंट करना है, तो हमें टॉप से बॉटम तक प्रिंट करना है, राइट। अब हम टॉप से बॉटम प्रिंट करेंगे, टॉप से बॉटम प्रिंट करेंगे, इसको एक नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं हम। अब टॉप से बॉटम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा और उसके बाद 16 प्रिंट होगा, 8 12 16 प्रिंट हो गया। हमने बोला यार हम यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमारा राइट वाला पूरा जो कॉलम था, राइट वाला पूरा कॉलम हमारा प्रिंट हो चुका है। अगर राइट वाला कॉलम प्रिंट हो चुका है तो राइट वाले कॉलम को शिफ्ट कर देना चाहिए लॉजिकली, अगली जो चीज़ स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि 16 को हम दो बार तो प्रिंट करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हम राइट को हम अपना कर देते हैं, राइट माइनस माइनस, तो हमारा एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू हो जाता, तो हमारा इनिशियली जो था ये 3, अभी हमारा 2 हो गया। हमने क्या करा, राइट को माइनस माइनस कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पे, हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, और हमारी ये श्रिंक होगी, टॉप यहाँ आ चुका है, बॉटम अभी भी यहीं है, हमारा राइट यहाँ आ चुका है, हमारा राइट यहाँ आ चुका है श्रिंक होके, और लेफ्ट अभी भी यहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ प्रिंट कर देंगे। अब हमें इस डायरेक्शन में जाना, हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट टू राइट गए, टॉप टू बॉटम गए, अब हमें क्या जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमें राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे तो हमने 15 प्रिंट किया, 14 प्रिंट किया और 13 प्रिंट कर दिया, राइट से लेफ्ट तक गए। अब राइट से लेफ्ट तक जाने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है यार, हमने क्या करा, हमने बॉटम वाली रो भी पूरी प्रिंट कर दी, तुम देखोगे हमने बॉटम वाली रो भी पूरी प्रिंट कर दी, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, बॉटम को भी ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। बॉटम ऊपर कैसे शिफ्ट होगा, इसमें माइनस माइनस कर देंगे, ये भी 3 था ये भी 2 हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने बॉटम को भी माइनस माइनस कर दिया, हमने बोला बॉटम को भी माइनस माइनस कर दो। अब हमारा बॉटम यहाँ आ चुका है, अब हमारा बॉटम है, हमारा बॉटम यहाँ आ चुका है, राइट, टॉप अब भी हमारा यही है,
ठीक है, हमारा लेफ्ट यहीं है और हमारा राइट अभी भी यहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर की तरफ प्रिंट करना है, हमें बॉटम से टॉप तक प्रिंट करना है, बॉटम से टॉप तक प्रिंट करना है, क्योंकि हमने ये वाला पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। तो हमने फिर से कर दिया 9 और 5 को प्रिंट कर दिया, हमने 9 और 5 को प्रिंट कर दिया। अब तुम देखोगे हमारा फिर से 0th वाली जो कॉलम है वो भी प्रिंट हो चुका है, हमने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमने 5 प्रिंट कर दिया, हमने 9 प्रिंट कर दिया, हमने 13 प्रिंट कर दिया, तो हमारी ये सारी चीज़ें प्रिंट हो चुकी है, तो हमारे लेफ्ट भी लॉजिकली बढ़ जाना चाहिए, तो लेफ्ट को भी हमने प्लस प्लस कर दिया, लेफ्ट को भी हमने प्लस प्लस कर दिया, लेफ्ट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हमारा यहाँ, राइट यहाँ, टॉप यहाँ, बॉटम यहाँ। अब हमें ये 4 प्रिंट करने हैं। अब हमने ये पूरा एक बार ही लूप कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। अब हमें फिर से लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, फिर से हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, लेफ्ट की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है, और हमारे राइट की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो चुकी है। तो हम 1 और 2 को प्रिंट कर देंगे, 6 और 7 को प्रिंट कर देंगे। फिर से सेम जो चीज़ करी हमने, हमारा क्या हुआ था, हमारा तो उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए था, हमने ये वाली पूरी रो भी प्रिंट कर दी ना, 5, 6, 7, 8 पूरा हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा 8 हो गया यहाँ पे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो हमारा जो फिर से जो टॉप था, टॉप को फिर से नीचे आ जाना चाहिए, राइट, टॉप को फिर से नीचे आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस करके इसको 2 कर देंगे, राइट, इसको हम 2 कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब हमारा कर्सर कहाँ पहुँच चुका है, नीचे पहुँच चुका है। अब नीचे में स्पाइरली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब ये फिर से हमारा, तुम्हें याद होगा जब हम ऐसे प्रिंट कर लेते थे हम ऐसे प्रिंट करते थे, टॉप टू बॉटम प्रिंट करते थे, टॉप टू बॉटम प्रिंट करोगे, टॉप टू बॉटम में बस एक ही एलिमेंट है, हम उसको प्रिंट कर देंगे 11 को, ठीक है। टॉप टू बॉटम को प्रिंट करने के बाद हम क्या करते थे, हमारे बॉटम वैल्यू को शिफ्ट कर देते थे। टॉप टू बॉटम प्रिंट करने के बाद हम क्या करते थे, अपने राइट वैल्यू को शिफ्ट करते, क्योंकि हमारा पूरा ये वाला प्रिंट हो चुका है, ये वाली हमारी पूरी प्रिंट हो चुकी है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, हमारे राइट की वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी, तो हमारी राइट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट चीज़ हमने ऐसे प्रिंट कर दिया, ऐसे प्रिंट कर दिया, हमें ऐसे प्रिंट करना है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट बस 10 बचेगा, हम 10 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तुम, हमारा ये स्पाइरली प्रिंट हो गया। हम तुम्हें देखोगे इसमें हमारे 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते हैं, फिर टॉप टू बॉटम प्रिंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप प्रिंट करते हैं। और हर स्टेप करने के बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करने के बाद हम टॉप को इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा कर दिया तो नीचे आ जाना चाहिए। अब टॉप टू बॉटम प्रिंट करने के बाद हम राइट को डिक्रीमेंट कर देते हैं, हम अपने राइट को डिक्रीमेंट कर देते हैं, ताकि क्योंकि राइट पूरा प्रिंट हो चुका है, इसको एक साइड इधर आ जाना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट टू हमारा लेफ्ट टू नहीं उसके बाद हमारा राइट टू लेफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉटम को भी माइनस माइनस कर देते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते हैं। तो ऐसे शिफ्ट कर करके हमने ये पूरा काम करना है। और ये काम कब तक करना है, राइट की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल टू है, जब तक बॉटम की वैल्यू बड़ी है फिर इक्वल टू हमारे टॉप के। तो जो हमने लिखा अब तक, जो हमने करा अब तक, वो जाके बस कोड कर देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। पहले बना लेते वेरिएबल, राइट बनाया हमने, राइट हमारा 0 है। पहले हमने बनाया अपना लेफ्ट, लेफ्ट अपना 0 है। फिर बनाया हमने राइट, राइट है अपना रो है, रो माइनस वन। फिर हमने बनाया अपना टॉप, टॉप है हमारा 0। फिर हमने बनाया अपना बॉटम, बॉटम है अपना कॉलम -1, ठीक है। अब हमने क्या डिसाइड किया था, हमने बोला था जब तक हमारे लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट है, तब तक प्रिंट करते रहेंगे, एंड जब तक हमारे, ठीक है यार, तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो होगा, हमारा इंट होगा लेफ्ट, लेफ्ट हमारा 0 होगा, इंट राइट होगा, राइट क्या, हम राइट में कॉलम्स देखना ना, यहाँ से यहाँ तक कॉलम कितने, तो ये तुम्हारा C-1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा हम देख रहे हैं इंट, हम देख रहे हैं टॉप, ये तो रो के लिए है, तो रो के लिए 0 है। फिर इंट देख रहे हैं बॉटम, बॉटम भी रो के लिए, तो रो के लिए होना चाहिए R-1 होगा ये। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, वाइल तुम्हारी जो रो की वैल्यू है, क्या कहते हैं उसे, तब तक तुम्हारा टॉप की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू बॉटम, तब तक कर लेते हैं, एंड जब तक तुम्हारे लेफ्ट की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू तुम्हारा राइट, तब तक इसको प्रिंट करते रहते हैं। अब बाद में हमें कंडीशंस फिर से चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब अभी लिखते हैं आगे फिर बताते हैं, ठीक है। हमने बोला अब यहाँ पे i = 0 नहीं होगा, टॉप से हमें जाना है, फॉर i = लेफ्ट से हमें जाना है राइट तक,
ठीक है, हमने डिस्कस करा था ए प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट और राइट क्या है, तुम्हारे कॉलम्स हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं कॉलम रो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम में डालना है इसे, हमने क्या करना है, इसको वेक्टर में पुश करना है ना, तो हमारा वेक्टर हम बना लेते हैं यहाँ पे पहले आंसर मैट्रिक्स ऑफ, ये हमारा आई जो है वो जे है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टॉप वाली में आईथ को बस ऐड करते जाना है, और बाहर निकलने के बाद हमने डिसाइड किया था कि टॉप को हमें प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि टॉप का काम हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे होंगे, फिर से सेम चीज़ करेंगे, अब हमें टॉप से बॉटम तक जाना था, राइट, तो बोलेंगे आई इज इक्वल्स टू टॉप, आई लेस देन इक्वल्स टू बॉटम, आई प्लस प्लस। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, फिर तुम्हारा ये हो गया राइट टू लेफ्ट और बॉटम टू टॉप, ठीक है, वही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा आई है टॉप है, मतलब ये रो है, तो हमें करना है आई, और हमें राइट वाले को प्रिंट कर रहे, तो हम यहाँ पे हमें डाल देना राइट, और उसके बाद हमने करना है राइट को माइनस माइनस, हमने यहाँ पे जैसे राइट को माइनस माइनस किया था, राइट को माइनस माइनस करना है। अब इसके बाद हमें फिर से एक बार चेक करनी पड़ेगी कंडीशन, क्योंकि हमने टॉप को चेंज किया है, तो क्या पता ऐसा हो कि टॉप अब बॉटम से बड़ा हो चुका हो, राइट, तो हमें आप कंडीशन फिर से चेक करनी पड़ जाएगी कि क्या टॉप की वैल्यू हमारे बॉटम के बराबर या इक्वल टू, मतलब इक्वल टू या लेस देन है, अगर है तो फिर से हम सेम चीज़ करेंगे। अब हमें राइट से लेफ्ट तक प्रिंट करना है, राइट कॉमा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, आई माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे हम, फिर पुश बैक कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे होगा बॉटम और यहाँ पे होगा हमारा आई, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे बॉटम को माइनस माइनस, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, वही कर रहे हैं बस उसी सीक्वेंस में। यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट यहाँ पे हमने राइट की वैल्यू चेंज कर दी थी पहले, तो क्या पता राइट अब छोटा हो गया हो, तो इसलिए फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और हम क्या अब जा रहे हैं बॉटम से टॉप तक जा रहे हैं, बॉटम से जा रहे हैं हम टॉप तक, माइनस माइनस करेंगे और बस कर देंगे पुश बैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी रो को चेंज कर रहे हैं, तो रो चेंज हो रही है और हमारा जो कॉलम है वो लेफ्ट ही कॉन्स्टेंट है, यानी यहाँ से निकलने के बाद हमें बस क्या करना है, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना और हमारा पूरा काम हो गया है। और हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना अपने आंसर को, कंपाइल करके देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अपना सही आंसर आ चुका है बिल्कुल ही, आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आ गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। खुद एक बार ये तुम्हें क्या करना है, पेन एंड पेपर उठा के ट्राई करके देखना है, प्रिंट करके टॉप बॉटम कैसे चेंज हो रहा है, कब क्या चेंज हो रहा है। तुम देखोगे जिस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाद में, जैसे हमने यहाँ पे राइट को कॉन्स्टेंट लिया तो राइट को चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे बॉटम कॉन्स्टेंट लिया तो बॉटम को चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे लेफ्ट को कॉन्स्टेंट लिया तो लेफ्ट को चेंज कर दिया। तो एक काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसी चीज़ देखो समझो कि क्या हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।